विनय सिंह आरोप लगाने के बजाय आप रूलिंग पार्टी हैं, रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं, कम से कम बता देते कि आखिरकार अभी तक गिरफ्तारी क्यों क्यों नहीं हुई है। दो लोग गिरफ्तार किए गए, वो दो लोग दूसरे समुदाय के हैं, कौन सा मैसेज आप दे रहे हैं? लोग वहां पर पर्दे के पीछे से कह रहे हैं, ऑफ द कैमरा कह रहे हैं और कैमरे पर पहचान छिपाकर कह रहे हैं हिंदू हैं इसलिए टारगेट किया जा रहा है। महिलाओं की बात पता नहीं आपने सुनी या नहीं सुनी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक महिला मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद राज्य में यह हालत। जो गिरफ्तारी हुआ है उसमें आप समुदाय क्यों देख रहे हैं? गिरफ्तारी गिरफ्तारी है, जिस पे आरोप है उसको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, धार्मिक जुलूस निकलेगा तो इस इलाके से ना निकले, माहौल खराब हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री कहती हैं। तब धर्म और समुदाय कौन देख रहा था? उसकी भी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी जरूर होगी। वहां तो BSF वाले लोग हैं, उन लोगों ने उसके साथ क्या किया है, उसको भारत में रखा है या बांग्लादेश में भेजा है, या तो भाजपा को भी, भाजपा पे भी मुझको संदेह है कि BSF से मिल करके जहां को बांग्लादेश तो नहीं छुपवा के रखा है भाजपा वालों ने, मगर शाहजहां की गिरफ्तारी जरूर होगी। नहीं, और इतना शय आप लोगों ने दे रखा है बिनोद सिंह कि रिपोर्टर उस इलाके में जाए तो गाड़ी से उतरने की हिम्मत ना कर पाए, गाड़ी के अंदर से बैठकर वॉक थ्रू करना पड़े कि देखिए ये शाहजहां मार्केट है, देखिए ये फला इलाका है, और आप कह रहे हैं कि कोई तुष्टीकरण नहीं है। गजब आपकी दर्द देता हूं मैं बिनोद सिंह। वो संवाद इकट्ठा कर सकते हैं और संवाद को दिखा सकते हैं, छाप सकते हैं। अगर भारतवर्ष में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी है तो पश्चिम बंगाल में ही है। अच्छा, चलिए ठीक है, नहीं वो डेमोक्रेसी दिख रही है कि लोग कैमरे पर आके अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सतीश नखेरा जी, सब आप लोगों की गलती है। BSF से पूछा जाए कि शाहजहां कहां है, BSF से पूछा जाए कि हिंदू महिलाओं को क्यों उठाया जा रहा है, BSF से पूछा जाए कि हिंदू महिलाओं को रात में TMC के दफ्तरों में आने के लिए क्यों कहा जाता है। वो तो समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा, अभी तो आरोप लग रहा है ना। आरोप नहीं लग रहा है, लोग जो कह रहे हैं, कहेंगे तो आपको सुनवा भी दूंगा बिनोद सिंह। अभी सतीश लखेरा को सुनिए। राकेश जी, लंबे समय से पश्चिम बंगाल पूरे वोट बैंक की एक फैक्ट्री बन चुका है, एक प्रयोगशाला बन चुका है, और हमारे जितने भी TMC के प्रवक्ता आते हैं वो पार्थो चटर्जी के नोटों के पहाड़ होते हैं, उसे मासूम बता देते हैं। जब अभिषेक बनर्जी के मामले आते हैं तब उसे मासूम बता देते हैं। रोहिंग्या की इतनी बड़ी समस्या पूरे देश में जो हो गई है उसके साथ ये खड़े हो जाते हैं, NRC CAA के खिलाफ हो जाते हैं। जिस तरीके से आज शाहजहां शेख के काले कारनामे आ रहे हैं, एक जरायम की दुनिया आ रही है, महिलाएं कैमरे के सामने जब बता रही हैं, और साफ साफ महिलाएं कह रही हैं इस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, और उसी महिला की सह पर उनके पार्टी का नेता किस तरह उन्हें मजबूर कर रहा है। ऐसी कहानियां औरंगजेब के जमाने में सुनाई देती थी या उन आतताइयों के जमाने में सुनाई देती थी जब लोकतंत्र नामी कोई चीज नहीं थी, मगर आज केवल वोट बैंक के चक्कर में, केवल वोट बैंक के चक्कर में, इसीलिए वो हिंदी गठबंधन से अलग हो रही है कि उनका वोट बैंक बिखर जाएगा। इसी दुर्गति के साथ जहां पूरे देश में ममता बनर्जी एक्सपोज हुई है, जिस देश में जहां पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए लोगों को कोर्ट में परमिशन लेनी पड़ती है, जहां रामनवमी के जुलूस पे सीधे हमले किए जाते हैं और सरकार उनके साथ खड़ी होती है, ममता बनर्जी RSS के गुंडे बोलकर भाजपा के माइंडसेट को और मान सम्मान के साथ है, हिंदुओं को जितनी गाली ममता बनर्जी ने दी है, हिंदू पर्सनों का जो विरोध किया है, हिंदू धर्म का विरोध किया है, और जिस तरह सनातन का विरोध किया है वो पूरा देश जानता है, मगर लोकसभा चुनाव का लोग इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की महिलाएं दीदी को जवाब देंगी, इंतजार कीजिए कुछ दिन का। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं सतीश जी आपके पास भी आता हूं, और बिनोद सिंह BJP रूल्ड स्टेट पर जाने से पहले कम से कम अपने आईने में देख लेते कि आपके राज्य में मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। वहां पर महिलाओं का बयान है कि घर से बाहर नहीं निकल पाते, आधी रात को TMC के दफ्तर में अगर नहीं जाते हैं तो हमारे पति बेटे को उठा ले जाएंगे, हिंदू होने की सजा मिल रही है। तो कम से कम उन महिलाओं का बयान सुन लीजिए, संदेश खाली उठकर चले जाइए, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईमान बचा हो तो। ठीक है, चलिए ठीक है। भाटी जी, राहुल गांधी से सीट वाला मामला फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि शायद वो आप लोगों के इक्वेशन पर चल रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में उनको लग रहा है कि पहले अपना इक्वेशन ठीक कर लें, और दूसरी बात है कि बंगाल में जो हो रहा है, अगर कोई BJP रूल्ड स्टेट रहता
तो अब तक बहुत आए तोबा मची होती सर, आप लोगों की ओर से भी बयान आए होते, लेकिन यहां पर खामोशी है, तुष्टिकरण यहां पर भी दिखाई दे रहा है। नहीं, आपने राकेश जी दो सवाल पूछे, पहले सवाल का जवाब तो कांग्रेस ही दे सकती है, कांग्रेस ही बताएं। ये तो हम तो 6 महीने से कह रहे हैं कि बहुत पहले सीट स्प्लिटिंग का मसला हल हो जाना चाहिए था, कि सीटों पे बात हो जाए, तय हो जाए किसको किस सीट पर लड़ना, चुनाव सिर पे है बिल्कुल। हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, अगर वो और डिले करेंगे तो हमने कैंडिडेट घोषित करने शुरू कर दिए हैं, 11 कैंडिडेट आज भी घोषित किए हैं, हमारी पूरी 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। कांग्रेस क्यों देरी कर रही है, इसका जवाब कांग्रेस दे सकती है। अब मैं आता हूं इस पर, पश्चिम बंगाल वाले मसले पर। उत्तर प्रदेश में अभी एक सप्ताह पहले समीक्षा अधिकारी का एग्जाम था, उसका पेपर आउट हो गया, पूरे प्रदेश में हल्ला मचा हुआ है। अभी शनिवार और इतवार में पुलिस की भर्ती का एग्जाम था, उसका पेपर आउट हो गया। जो टीचर भर्ती के जो जिनके साथ अन्याय हुआ, ओबीसी के लड़के और लड़कियां 2 साल से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर दर्जनों बार लाठियां चलाई जा चुकी हैं, उन्हें जेल भेजा जा चुका है, मुकदमे कायम किए गए हैं, कई ने सुसाइड कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना हो रहे हैं, 10 हत्याएं रोजाना हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में आवारा जानवरों के हमले में रोजाना कोई ना कोई मारा जा रहा है, किसानों पे जगह जगह हमले हो रहे हैं, बंदर, कुत्ते, सांड, आवारा पशु का आतंक छा गया है। लेकिन हमारे राकेश पांडे जी को उत्तर प्रदेश बीच में दिखाई नहीं देता, सीधे पश्चिम बंगाल दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल की घटना नहीं, नहीं मुझे सीधे पश्चिम बंगाल नहीं दिखाई देता है, लेकिन दिक्कत यह भाटी जी कि आपको पश्चिम बंगाल दिखाई नहीं देता है। आप उत्तर प्रदेश पर बोल रहे थे, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आया, मैं 30 सेकंड आपको देता हूँ, आप सिर्फ पश्चिम बंगाल पर बोलिएगा। और संदेश खाली में महिलाओं का बयान आपने सुना होगा तो सिर्फ उस पर बोलिएगा, 30 सेकंड कोई बीच में नहीं आएगा। पश्चिम, मैंने बोलना शुरू ही किया था, आपने बीच में टोक दिया। पश्चिम बंगाल की घटना गंभीर घटना है, एक अपराध हुआ है, 1-2 अरेस्टिंग भी हुई है, मुख्यमंत्री का बयान आया है कि इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं, कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। उसकी चिंता सबको होनी चाहिए, हमें भी है, सबको होनी चाहिए, आलोचना करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की। ये जो अराजक एनसीडब्ल्यू की हेड पहुंची है, कह रही है एसपी से मुलाकात ही नहीं हो रही है। दस मिनट आप, नहीं नहीं मैं आप ही के पास हूं, आप आलोचना करेंगे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। कम से कम राकेश जी बोल दस मिनट में आपने कम से कम 20 बार हिंदू मुस्लिम किया है, ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। अपराधी कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अच्छा आदमी कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसे सरकार का संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन हर मामले को हम हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखेंगे, देश में अराजकता फैल जाएगी, देश का भाईचारा नष्ट हो जाएगा, देश की शांति नष्ट हो जाएगी। ठीक, इतना खराब दृष्टिकोण कम से कम मीडिया का कभी नहीं रहा जितना वर्तमान समय। नहीं नहीं भाटी जी, दृष्टिकोण में दिक्कत नहीं है, ये हमें सुधारना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि मैं शाहजहां शेख पर सवाल कर रहा हूं, आपने एक बार अपील तक नहीं की कि शाहजहां शेख को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। ये सवाल आपने बिनोद सिंह से नहीं पूछा। आप लोग तो साथी बन रहे ना इंडिया गठबंधन में, तो पूछ ही लेना चाहिए था कि भाई हम लोग को जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन शाहजहां शेख पर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एक खास समुदाय से। मैं आ रहा हूं आदिल, आपके पास आ रहा हूं। ठीक ठीक है आदिल, जो एक मिनट टिप्पणी ले लूं इनकी भी, उसके बाद है उसके खिलाफ हाँ जो भी नहीं, शाहजहां शेख नाम ले लेते ना मुझे अच्छा लगता। आदिल, शाहजहां शेख एक समुदाय से, मंदिर पर सवाल उठाएंगे क्योंकि एक खास वोट बैंक को साधना है, यूपी में मंदिर इसलिए नहीं क्योंकि शांति व्यवस्था भंग, और तुलना करेंगे कि मोदी हिटलर हो गए। अच्छा, तो ये एक चीज नहीं समझ में आया, अभी पता चला आपके शो से कि विजय माल्या, ललित मोदी, मोहित चौधरी, गुप्ता ब्रदर्स, जो सब भागे हुए हिंदू है इसलिए छोड़ दिए क्या मोदी? विदेश में पैसा लेके भागे इसलिए छोड़ दिए क्या मोदी जी? इसलिए उनको आसानी से विदेश से नहीं लाया जा रहा, अभी पता चला आपके शो से। वारिस पठान को मीरा रोड जाने नहीं दिया गया, अभी डिटेन कर लिया गया है। नारायण राणे के बेटा को, नीलेश राणे नेपाली को, वहां जाने के लिए, जहर उगलने के लिए अलाउ कर दिया गया। अभी श्यामली पुलिस में एक फुरकान नाम के एक लड़के को कल उठाया गया, बेचारे का देखिए उसके डेड बॉडी को, ले गया गया, 35 मिनट बाद उसकी डेड बॉडी दे दी गई। हल्द्वानी में 16 साल के बच्चे को गोली मार दिया, अलाउ है क्या राकेश भाई? आप ही अलाउ किया? अभी आपके यहाँ चैनल पे मेरे नेता को जो बोला गया अभी 1 बजे के शो में, आपका चैनल उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, उस ट्वीट को म्यूट कर दिया जो उसने बोला, और आपने लिख दिया आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं क्या? बताइए तो, आप ही बताए, नाथूराम गोडसे मुसलमान थे क्या? गांधी जी को मार दिया,
जरा इस पर भी पूछ लीजिएगा बीजेपी। नहीं 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 सुनिए भाई आदेश, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं,